पटना के गांधी मैदान में वेस्ट बंगाल के होटल शुभदीप के निदेशक राजेश चंद्रा द्वारा आयोजित डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप कुमार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रहे। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री समीर महासेठ ने बताया कि पटना में पहली बार यूरोप का मशहूर सुनामी रेंजर झूला लगाया गया है। यह झूला लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है और सभी लोग इस झूले को काफ़ी पसंद भी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस मेले में देशी विदेशी लगभग 20 झूले लगाए गए हैं। इधर स्कूलों की छुट्टियों में आप गांधी मैदान आकर डिज्नीलैंड मेला का मजा ले सकेंगे। वहीं विकी पांडे ने बताया कि यह मेला 4 साल बाद गांधी मैदान में लगाया गया है और यह एकमात्र डिज्नीलैंड मेला पटना में लगा है, जहां रैंप वॉक करते हुए लंदन ब्रिज का मजा लेते हुए मेले में प्रवेश किया जाता है। साथ ही महिलाओं के घरेलू सामान, बच्चों के खिलौने एवं अन्य सामान इत्यादि यहाँ बहुत ही सस्ते रेट में उपलब्ध हैं, जैसे टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, मेरी कोलंबस, टोरा टोरा, मिकी माउस, मोटर बाइक, धूम बाइक, बॉल बोंसिंग इत्यादि शामिल हैं। इन्होंने कहा कि यह मेला 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा और सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, मेले में हर जगह आग से बचाव तक के लिए फायर सामग्रियों का इंतजाम किया गया है। बदलने के लिए इस तरह का एग्जीबिशन मेला डिज्नीलैंड की तरह हर एक जिला में लगे समय पर, ताकि हर एक जिला वासी में लगे कि जो हमारा उपभोक्ता का बिहार है, उद्यमिता का बिहार को बदलने के लिए यही एक माध्यम है अपने चीज़ों का प्रचार प्रसार के लिए। और आप समाज के चौथा स्तंभ, आप कितनों दिखाइएगा, लेकिन आप जो चीज़ दिखाइएगा किसी शहर का तो पूरे बिहार में परसेप्शन बदलेगा। आप पटना का दिखाइएगा, वही दरभंगा जाके दिखाइएगा, तो दरभंगा की बातें दूसरे जगह तक जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि जितनी चीज़ों को आप देखेंगे, यहाँ पर कोई व्यक्ति आवेगा, परिवार के साथ आवेगा, जिस वातावरण के बीच घर से बाहर निकल करके लोग चाहेगा कि प्रचार प्रसार या कुछ खरीद बिक्री, तो जो भी हमारा लोग कोई चीज़ ऐसा एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं, जब वो परचेज करेगा तो उसके पीछे का आप सोच लीजिए, वो ब्रांडेड नहीं है। लेकिन एक समय आएगा कि जैसे अभी मधुबनी के मखाना का 10 दिन पहले हमने उद्घाटन किया और वो वालमार्ट जैसी संस्था पूरे दुनिया में उससे खोज रही है कि वालमार्ट में पूरे दुनिया में हर एक देश में हमारा मखाना पहुंचेगा। तो ये मेरा मानना है कि आपके प्रचार माध्यम से सही चीज़ों से रखने के बाद कोई भी चीज़, मट्टी भी बेच सकता है, और अगर आप बिहार की मट्टी को बेचना चाहते हैं तो 14 से लेकर के 24 कंट्री आपके मट्टी को खरीदने के लिए तैयार है। उस मट्टी को चंदन की तरह माथे में लगाएंगे, चूँकि ये बुद्धिस्ट की सर्किट है, ये सूफी की सर्किट है, ये रामायण सर्किट है, सभी सर्किटों का बिहार है। जो बिहार में कहीं बुद्धिस्ट सर्किट के लोग विदेश से आते हैं तो सबसे पहले जमीन से मिट्टी लगाते हैं कि हमारे बुद्धिस्ट का सर्किट है। उस तरह का मार्केटिंग आपको करने की आवश्यकता है। वो दिन दूर नहीं कि लोग बिहार के लोग को लोग खोजेंगे, चूँकि बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड बिहार है जो हमारा हर मामले में, चाहे वो मानव बल हो, चाहे हर एक क्षेत्र में हमारा सेकंड है। लेकिन देश स्तर पर हमें 1 to 10 में लाने की आवश्यकता है, नीचे पायदान से हमें ऊपर जाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी का ये लगातार है कि रोजी रोजगार परस्त नहीं बनाएंगे तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। उसमें उद्योग विभाग के साथ साथ आर्ट, कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, 12 डिपार्टमेंट मिल करके एग्रो बेस्ट भी डबल करने का प्रयास किया है। अपने अनुबंध के बाद हम कैबिनेट से अभी जो पास किए हैं 1,82,000 करोड़ रुपया, जो बजट के साथ हमने जोड़ा है कि 5 साल में बिहार को परिवर्तन करके दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प लिया है बिहार। और आज हम इतना कह सकते हैं कि जो ये 30 दिन का मेला लगेगा, ये एक शानदार मेला लगे। 60 दिन का जो मेला है वो शानदार एक पूरा मैसेज जाए, इतना बढ़िया ढंग से ये चला। और ये बार बार हम ये कहना चाहेंगे, हमारा खादी का,
हमारे आर्ट कल्चर का, हमारे उद्योग विभाग का, हर एक जिले में इस तरह का एग्जीबिशन और मेला लगे, ताकि वहाँ के लोगों को अपना अपना उस जिले का प्रोडक्शन अपने आप को लोगों को बीच में बेचने का मौका मिले और ये देश विदेश देखे। 38 जिला में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी सब बनेगा और आगे चल करके बिहार के एक जिला का नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।